ओके तो कल मेरे पास एक सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया और मुझसे पूछने लगा कि भैया मुझे सीयूटी का एग्जाम देना है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मैं किस मोड में एग्जाम दूं। क्या मैं इंग्लिश में एग्जाम दूं या फिर हिंदी में एग्जाम दूं, जिससे कि मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के चांस बहुत ज्यादा हो जाए। और मैं पढ़ने के लिए क्या करूँ, क्या मैं 10th 12th के सिलेबस को सेल्फ स्टडी करूँ या फिर मैं सीयूटी के लिए कोई बुक ले लूँ या फिर मैं किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करूँ। तो देखो यार, अगर मेरे रहते हुए तुमको ये सब की प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा रहने का कोई मतलब नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी का होगा, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का प्रॉब्लम होगा कि मैं किस मोड में एग्जाम दूं जिससे कि मेरा सीयूटी में एडमिशन लेने का चांस बहुत ज्यादा हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में एक एक करके सभी टॉपिक को डील करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए बुक लू या फिर कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करूं या सेल्फ स्टडी करूं। तो देखो, अगर 10th 12th के सिलेबस अगर तुमने ढंग से कवर किया है, ढंग से पढ़ाई किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि तुमको सीयूटी के लिए कोई दूसरा बुक लेने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों 80% सिलेबस आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हाँ, ये बात की बात है कि आप कितना भी पढ़ो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अभी भी मेरा कुछ छूट गया है, ये डर सबके मन में बनी रहती है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपने 10th 12th का सिलेबस अगर ढंग से कंप्लीट किया है तो मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप सीयूटी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और दूसरी बात, सीयूटी की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। तो मैं आपको कोई भी बुक लेने के लिए प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी सीयूटी के लिए यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेस है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाई जा रही है। तो देखो यार, मैं मालवीय अकेडमी से पढ़कर सीयूटी का एग्जाम दिया था और अच्छा मार्क्स स्कोर किया था। और दोस्तों मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है कि सीयूटी के लिए कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है। इस वीडियो के अंत में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यूट्यूब चैनल वाले सीयूटी को लेकर अभी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स ला रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप बुक मत लेना, किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़ लो और उसी से प्रिपरेशन करते रहो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सीयूटी का एग्जाम किस मोड में दें जिससे कि मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की चांस बहुत ज्यादा हो जाए। तो देखो यार, ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दोगे तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आप हिंदी में एग्जाम दोगे तो आपका लो मार्क्स आएगा, ऐसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको बीए का एग्जाम देना है, तो यानी कि बीए में आपका 3 डोमेन सब्जेक्ट रखना है, एक जनरल टेस्ट रखना है और एक लैंग्वेज का पेपर रखना है। तो डोमेन सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री होगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मैं इंग्लिश में एग्जाम कैसे दूंगा, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। अब कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि आप ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपके मन में ये डर होगा कि क्वेश्चन इंग्लिश में कैसे अटेम्प्ट करूंगा। ये डरने की कोई बात नहीं है, आपकी जो क्वेश्चन होगी वह हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में होगी। मतलब जितने आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन का भी एक इंग्लिश वर्जन होगा और एक हिंदी वर्जन होगा। तो भाई, आप जिसमें ज्यादा सुटेबल हो आप उसमें पढ़ करके आप ओएमआर सीट में भर सकते हो। जैसे कि आप हिंदी में बहुत ज्यादा सुटेबल हो तो आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ करके ओएमआर सीट पे भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम वही जनरल टेस्ट के लिए भी, आपके जितने भी 45 क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन का एक हिंदी वर्जन भी होगा और एक इंग्लिश वर्जन भी होगा। हिंदी वर्जन के जस्ट ऊपर इंग्लिश वर्जन होगा और इसके नीचे हिंदी वर्जन होगा। तो भाई, डरने की कोई बात नहीं है, आप जिसमें ज्यादा सुटेबल हो आप उसमें पढ़ करके आप अपने ओएमआर सीट पर क्लिक कर सकते हो। ऐसा बात नहीं है कि आपको हिंदी के लिए अलग ओएमआर सीट देगा और इंग्लिश के लिए आपको अलग ओएमआर सीट दिया जाएगा, नहीं। आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ो, एक ही ओएमआर सीट है, आप उसको उसमें टिक लगाना है। ये सिर्फ बीए के लिए ही नहीं है, जितने सारे कोर्सेस हैं उन सभी कोर्सेस में एक इंग्लिश वर्जन भी होगा और एक हिंदी वर्जन भी होगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। और जो बच्चा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, अगर एडमिशन लोगे तो एक बार अपने भाई से मिलने जरूर आना। और दोस्तों, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है सीयूटी के एग्जाम के लिए, आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।